రామారం డివిజన్ చంద్రగిరి నగర్ కు చెందిన యూత్ నాయకుడు సాయిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 200 పైగా యువకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోన శ్రీశైలం గౌడ్ సమక్షంలో చేరారు. శ్రీశైలం గౌడ్ వారికి కండువా కప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. మరి ఈ యొక్క పార్టీలో కలిసినందుకు స్వాగతం సుస్వాగతం చెప్తూ ఇక్కడ పోలింగ్ బూత్ ప్రకారం ఏ బూత్ ఎంత మంది ఉన్నారో ఒక బూత్ 15 మంది 20 మంది పెట్టుకొని 50 ఓట్లకు ఒక గల్లీకి ఇద్దరు పెట్టి మరి యొక్క రాబోయే రోజుల్లో ఓట్లు లేపించి గెలిపిస్తే మీకు ప్రశ్నించే గొంతుగా మేమందరం మెంబర్ ఉంటామని చెప్పి మనవి చేస్తూ తెలుసుకుంటాం. అబ్దుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యూషన్ కేంద్ర బి బ్లాక్ మైనారిటీ ప్రెసిడెంట్ చాన్ పాషాకు ऑर्डर कापी देते हुए और डिवीज़न प्रेसिडेंट हमारे सूराराम डिवीज़न के मकबूल भाई की डिवीज़न प्रेसिडेंट देते हुए न्यू शाहपुर नगर हमारे गांधीनगर का जाफर को वर्किंग प्रेसिडेंट देते हुए उनके साथ ही जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के शोएब अभिलाषी कांग्रेस पार्टी के जो साथ देने वाले सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करते हुए हमारे प्रेसिडेंट मायनार्टी के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के रशीद उन भी नौजवान है हमारे सोयल चेयरमैन साहब उनको परसों बात करके जो है ना कुतबुल्लापुर के अंदर जो मायनार्टियों को और उन लोगों को ताकत बढ़ाने के लिए ये मायनार्टी सेल में जो है ना जिस जिसको इंटरेस्ट है उन लोगों को पोस्टर दे के अपन उन लोगों का हाथ मजबूत करे तो कांग्रेस का हाथ भी मजबूत होता बोल के मैं उनसे कहा था. उन्हें भी बोले अन्ना आप कभी भी बोलो माइनॉरिटी सेल के अंदर जिसको जो पोस्ट होना है वो देंगे. केसीआर साहब ने 2014 में जो वादा किया माइनॉरिटी के बारे में 12% दे तुम बोल के बोले. घर घर का नौकरी तेलंगाना में सबको बोले. जीएचएमसी में डबल बेडरूम बोले. अभी तक खाली वादा वादा के जैसा रह गए कुछ काम तो नहीं हुआ और माइनॉरिटियों को भी धोखा दिया. और जो है ना गरीब बहुत है तेलंगाना के अंदर डबल बेडरूम दे तुम बोले तो जीएचएमसी इलेक्शन में 100 सीट जीते जीएचएमसी टीआरएस में 2016 में जो है ना डबल बेडरूम दे तुम बोल के अभी तक नहीं दिए. और परसों जो बारिश आके जो गरीब लोग बहुत तकलीफ उठाए मगर तकलीफ जो उठाए उसको नहीं दिए पैसे उसका सिलेक्टेड लोगों को जो है ना 10,000 रुपये पहुँचाए. फिर लोग रोड पे आके जो है ना धरना कर रहे उसको देख के टीआरएस पार्टी की रिवर्स आ रहा बोल के जो है ना उन्होंने क्या किए परसों केटीआर साहब ने ऑनलाइन में 10,000 रुपये जिसको नहीं आए उन्होंने अप्लाई कर लो बोल के बोले. आप लोग एक ही अपने लोगों से बस्तियों में गलियों में चर्चा करने का टाइम पे बात करना 2016 में डबल बेडरूम अप्लाई करे बोले अपन अप्लाई कर लिए अप्लाई 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 सप्लाई हो गए उधर ही चले गए फॉर्म. अभी तक तो किसको डबल बेडरूम आया ये भी 10,000 का दुकान बंद बंद करने के लिए ऑनलाइन बोल के बताए मगर अपना लोग क्या बोलते हो मार तुम बोलते डर रहता ये तुम बोलते हंस रहता मगर जो मी सेवा करे जो टायर के लोग लाइन टायर के जो है ना अप्लाई करे मगर वो नहीं आता उन लोगों को बोलना इलेक्शन के वास्ते स्कीम लगाया. फिर एक बार 2016 में चूतिया बनाया अपने को फिर एक बार चूतिया बनाने के लिए फिर ये काम कर रहा बोल के आप लोग सब लोगों को बोला. और एक चीज़ तेलंगाना न्याय से पहले भी अपन कपड़े पहनते थे हिंदू हों क्रिश्चियन हों माइनॉरिटी हों मगर बेचारा केसीआर साहब क्या सोचे इन लोग इतने कास्टली कपड़े कभी नहीं पहना बोल के. अगर बतकम्मा पंडा आए तो 100 रुपये का साड़ी रमजान आए तो 150 रुपये का जोड़े कपड़ा और क्रिश्चियन का पैदा आए तो उन लोगों को 150 रुपये कपड़ा मगर वो कपड़ा दे के पीने वाले को दारू दे के लेने वाले को पैसा दे के वोट ले लेके सीट पे बैठ के लोगों का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं देख रहे उन लोग. आप लोग चर्चा करना कैसे आप अपना कांग्रेस सरकार रहे तो टाइम पे राजशेखर रेड्डी साहब सीएम रहे तो टाइम पे 4% माइनॉरिटी की दिया जब वो टाइम पे जो है ना अपने को गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिला नहीं मेरा भाई. ये चर्चा करो ये बार कभी भी तेलंगाना के अंदर कार का सिंबल को देख के वोट डाले उसमें कौन लंगड़ा बैठा अंधा बैठा
तो हैंडकैप बैठक कोई नहीं देखे, मगर वो कार जो है ना पूरा किधर किधर की जा रहा, वो उसमें जो है ना लोगों को टक्कर मार रहा। वैसी चोरी हो तो घरों में घुस जाता, उसको ब्रेक करने का वक्त आया अभी। आप लोग पूरा फुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप लोग पूरा कांग्रेस पार्टी की आगे बढ़े थे बोल के आप लोगों से गुजार।